नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशन मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हम आपको दिखाएंगे हर क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग मानव जीवन के साथ साथ मूक प्राणियों के लिए भी घातक है। महेंद्र जैन बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त एसके सिंह के निर्देश अनुसार नगर निगम स्वास्थ्य प्रभारी एवं सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार के तत्वाधान में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर द्वारा शहर वासियों को स्वच्छता के लिए वार्ड नंबर 44, 45 और 47 में प्रतिबंधित पॉलीथीन बंदी हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी महेंद्र कुमार जैन ने कहा कि अपने घर के आसपास ठेला आए तो आप बर्तन में या कपड़ों की थैली में सब्जी, फल या अन्य वस्तु ले और पॉलीथीन में ना ले। पॉलीथीन हमारे शहर और इस मानव जीवन के लिए मूक प्राणियों के लिए भी घातक और हानिकारक है। इसे छोड़ो और कपड़े की पॉलीथीन से नाता जोड़ो। वहीं जिस व्यापारी के पास पॉलीथीन पाई जाए उसे समझाएं और कहें कि अगली बार से मिलने पर निगम टीम द्वारा चलानी कार्रवाई की जाएगी। और वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर फौजिया सोडावाला ने कहा कि मार्केट के लिए जब भी जाए तो साथ में कपड़े की थैली अवश्य रूप से लेकर जाए। अब हम पॉलीथीन को इस जिले से, शहर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से बाय बाय करना है और अब से कपड़े की थैली को मार्केट में ले जाने की आदत डाल लो। ब्यूरो रिपोर्ट।